सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक पीपीएफ अकाउंट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एक रिस्क फ्री और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इस वीडियो में हम बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों के बारे में बात करेंगे, साथ में हम सारे फीचर्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पीपीएफ अकाउंट के। उनमें से हो सकता है कुछ आपको मालूम हो और कुछ ना मालूम हो, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे आपको एक पीपीएफ अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। फीचर्स के बारे में बात करने से पहले हम पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में ही जान लेते हैं। इसके तीन मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला, कि ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है। दूसरा, ये एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जितना भी आप इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी कि जब आप 15 साल बाद, 20 साल बाद, मैच्योरिटी के बाद पैसा निकालेंगे तो जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे, या इवन बीच में भी अगर आप पैसा निकालते हैं तो जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। अदरवाइज हम जितने भी बाकी के इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे कि आपकी फिक्स डिपॉजिट हो गई, वो भी एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेड टैक्स देना पड़ता है। कुछ टैक्स फ्री एफडीज भी होती हैं, लेकिन उनके अंदर लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। तो पीपीएफ अकाउंट के अंदर भी लॉक इन पीरियड जरूर होता है, लेकिन यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट एफडी से बेटर मिलता है। और तीसरा इसका बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है अंडर सेक्शन 80C। तो 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि आपको 80C के अंदर रिबेट मिलती है, तो आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर भी 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पूरे अमाउंट पे आपको 80C के अंदर टैक्स रिबेट मिलेगी। चलिए अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडियन अकाउंट खोल सकता है पीपीएफ का, और वो एक पर्सन एक ही अकाउंट खोल सकता है। यानी कि अगर आपने एक बैंक में अकाउंट खोल लिया तो आप दूसरे बैंक में जाके दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। हाँ, आप उस अकाउंट को ट्रांसफर जरूर करा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी माइनर के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो भी आप खोल सकते हैं, आप उसके अंदर भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन माइनर अकाउंट को कोई पेरेंट ही ऑपरेट कर सकता है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए। और तीसरी बात कि एनआरआई अब पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। बाई चांस अगर आप एनआरआई स्टेटस होने से पहले पीपीएफ अकाउंट खोल चुके हैं तो आप उसको ऑपरेट जरूर कर सकते हैं 15 साल के लिए, लेकिन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आप ये अकाउंट कहां खोल सकते हैं। तो आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं या फिर जितने भी ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, ज्यादातर जितने भी पॉपुलर बैंक्स हैं आपके, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, SBI है, PNB है, या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, IDBI, इन सब के अंदर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है कि आप कितना पैसा डाल सकते हैं और वो कैसे डाल सकते हैं। तो यहां पे आप मिनिमम 500 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। 1.5 लाख के ऊपर अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसा डालते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां जानने वाली यह है कि अगर आपने कोई माइनर अकाउंट भी खोल रखा है, मान लीजिए आपके कोई बच्चे का अकाउंट है जिसको आप ऑपरेट करते हैं, तो दोनों अकाउंट्स को मिला के ही आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप ये पैसा कैसे डाल सकते हैं, आप मंथली इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं, क्वार्टरली डाल सकते हैं, हाफ ईयरली डाल सकते हैं, या एनुअली भी डाल सकते हैं। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स आप हर साल यहां पे कर सकते हैं। और ये पैसा आपको कैसे डालना है, आप कैश से भी डाल सकते हैं, चेक से भी डाल सकते हैं, DD से भी डाल सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम मैच्योरिटी पीरियड की। ये क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहां पे आपको मिनिमम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता है, तो 15 साल का आपका लॉक इन पीरियड होता है। उसके बाद आपको 5-5 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है, तो ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स में आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ये जो 15 साल का पीरियड है, ये 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं। मान लीजिए अगर आपने जुलाई में किसी साल में इन्वेस्ट किया तो वो वाला फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं होगा। लेट से अगर आपने 1 जुलाई 2019 को इन्वेस्ट किया तो 2019-20 वाला फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट नहीं होगा उसकी कैलकुलेशन में। और आपका जो एक्चुअल पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, और जो एंड होगा 15 साल का पीरियड वो 31 मार्च 2035 में एंड होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। आज की डेट में 8% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहता है, इंटरेस्ट रेट मार्केट पे डिपेंड करता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये क्वार्टरली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो पिछले 15 साल का मैं कहूं तो 7.5 से लेकर 9% तक ये फ्लक्चुएट हुआ है जितना मैंने देखा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको एफडी से बेटर रिटर्न्स देगा। और दूसरा फायदा तो हमने पहले बात करी ली कि ये रिस्क फ्री और टैक्स फ्री भी है, तो यहां पे आपको पीपीएफ का लॉन्ग टर्म में बेनिफिट डेफिनेटली होता है। और ये इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये मंथली कंपाउंडिंग होती है,
कि आपका हर महीने जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा। और किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ से लेके लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ तक जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उस पर आपका टैक्स लगेगा। तो अगर आपने 5 से लेके 30 तारीख तक अगर कुछ अमाउंट डाला है तो उस पे आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक किसी भी महीने में पैसा डालते हैं तो उस पैसे पे भी आपको उस पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलता है। तो इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, मान लीजिए अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में टुवर्ड्स द एंड जनवरी या फरवरी में आपने पैसा डाला तो आपको खाली वो 1-2 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप अप्रैल में डाल देते हैं पैसा, 1 से लेके 5 तक, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक पैसा डाल देते हैं तो आपको पूरे साल का वहां पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। चलिए इंटरेस्ट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि अकाउंट हमें खोलना कैसे है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, एक होता है आपका फॉर्म ए जो आपकी पीपीएफ अकाउंट की एप्लीकेशन होती है वो आप फिल करके दे देंगे, उसके अलावा आपके 2 फोटोग्राफ्स लग जाते हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो आपको एक नॉर्मल बैंक अकाउंट के लिए देने होते हैं वो आपको यहाँ पे भी लग जाते हैं, जैसे कि पैन, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। और दूसरा आसान तरीका है कि आज की डेट में आप ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपका किसी ऑथराइज्ड बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो आप अपने जब ऑनलाइन पोर्टल में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक में आपको पीपीएफ अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे और आप अपना अकाउंट वहां पे क्लिक करके इंस्टेंटली खोल सकते हैं क्योंकि वहां पे आपका केवाईसी ऑलरेडी हो चुका होता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्री मेच्योर विड्रॉल की। अगर आपको रिक्वायरमेंट 15 साल से पहले ही आ जाती है, कुछ आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है आपके पास लोन का ऑप्शन, 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक जब आपने अकाउंट ओपन किया है तब आप लोन ले सकते हैं। वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होता है वो आपके पीपीएफ अकाउंट में जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 2% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6th ईयर के बाद आती है, लेट्स से 7th ईयर से लेके 15th ईयर तक की आपकी रिक्वायरमेंट है, उस केस में आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है। 7th ईयर ऑनवर्ड्स आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब ये लिमिट्स कितनी होती हैं लोन्स की और पार्शियल विड्रॉल की, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी। इस वीडियो में हम एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में टाइमलाइन के हिसाब से। ये देखिए, ये टाइमलाइन पे हम समझ लेते हैं कि लोन और पार्शियल विड्रॉल हमें कैसे मिलता है। मान लीजिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया पीपीएफ के अंदर जब आपने अकाउंट खोला, और लेट से आपने 1 जुलाई 2019 को अगर अकाउंट खोला है तो पहला फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 2019-20। अब यहां से आप जब अपना 3rd फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2021-22। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके आपका जो 6th फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 वाला, इसके एंड तक आप लोन ले सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2025 तक आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके बाद आपकी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो 7th ईयर ऑनवर्ड्स अप टू 15th या 16th ईयर आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है। अभी 16th ईयर क्यों कह रहा हूं मैं, इस पे आता हूं। पार्शियल विड्रॉल आपका जैसे हो गया, आपका 7th ईयर कौन सा हो गया, 2025-26 आपका 7th फाइनेंशियल ईयर हो गया जब आपने अकाउंट खोला था वहां से लेके। तो 1 अप्रैल 2025 से लेके आप जब भी अपना पूरा टेन्योर होगा उस टाइम तक आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने ये 16th फाइनेंशियल ईयर क्यों लिखा है, तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, जब जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपका कैलकुलेट नहीं होता है, आपको 15 फुल फाइनेंशियल ईयर पूरे करने होते हैं। तो 2nd फाइनेंशियल ईयर से लेके 16th फाइनेंशियल ईयर तक आपको पूरा का पूरा इन्वेस्टेड रहना होगा कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट आपको यहां पे भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट जो है आपको यहां पे जुलाई से लेके 31 मार्च तक का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, और ये आपको लेट से 15.75 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको ये 15.75 ईयर्स के लिए पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए इसके अलावा हम और बाकी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात कर लेते हैं। पीपीएफ अकाउंट को किसी भी डेट और लायबिलिटी के अगेंस्ट अटैच नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आपके ऊपर काफी उधार चढ़ गया है तो कोर्ट भी ये डायरेक्शन नहीं देगी कि आप पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल के पेमेंट कीजिए। आपकी चाहे बैंक्रप्सी होने की भी नौबत आ जाए तो ये पीपीएफ अकाउंट हमेशा आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि आपके रिटायरमेंट के गोल्स पूरे हो सकें, बच्चों की मैरिज, एजुकेशन, सीरियस इलनेस, इसके लिए पीपीएफ अकाउंट रखा जाता है। तो इसको अटैच नहीं किया जा सकता है किसी भी डेट और लायबिलिटी के अगेंस्ट। और बाय चांस आप पीपीएफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, लेट से आप 500 रुपए जो मिनिमम फाइनेंशियल ईयर में भरने हैं वो भी अगर आप नहीं भर रहे हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं उसको रिवाइव करना तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी पेनल्टी भरनी होती है, जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आपने पेमेंट नहीं की है मिनिमम 500 रुपए जो पर फाइनेंशियल ईयर आपको करनी होती है वो वाली सारी पेमेंट करनी होगी पहले। तो कि मान लीजिए अगर आपका 5 साल तक इनएक्टिव रहा है अकाउंट तो 500 × 5 यानी कि 2500 रुपए आपको वो अरियर्स भरने पड़ेंगे,
प्लस आपको पेनल्टी देनी होगी ₹50 पर फाइनेंशियल ईयर की, तो ₹250 आपके वो लग जाएंगे। और मान लीजिए आप पीपीएफ अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज करना चाहते हैं, आप उसको 15 साल के लिए भी मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में सिर्फ दो ही कंडीशन में आप प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं। पहली बात तो मिनिमम 5 साल आपके पूरे हो जाने चाहिए, 5 साल के बाद ही आप क्लोज कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहां पे खाली आप दो कंडीशंस के अंदर ही क्लोज कर सकते हैं। पहली तो सीरियस इलनेस ऑफ एनी फैमिली मेंबर, अगर वो हो जाती है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे। और दूसरी होती है हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर। हायर एजुकेशन मतलब या तो आप खुद हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप क्लोज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई अकाउंट माइनर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, अपने किसी बच्चे के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका जो अकाउंट होल्डर है वो माइनर अगर किसी हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो वो भी क्लोज कर सकते हैं आप अकाउंट। और दूसरी बात आपको यहां पे ध्यान ये रखनी है कि अगर आप प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो आपको 1% की इंटरेस्ट रेट पे पेनल्टी लग जाती है। तो अगर आपका मान लीजिए 8% का इंटरेस्ट रेट था तो आपको वो 7% ही मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, किसी भी बैंक की दूसरी ब्रांच में कर सकते हैं, या फिर अगर आप बैंक भी चेंज कराना चाहते हैं बैंक भी चेंज हो सकता है, और अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। चलिए अब हमने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स की तो बात कर ली, एक बार क्विकली हम कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में लेट से आप अगर हर महीने कुछ पैसा डालते हैं या हर साल कुछ पैसा डालते हैं तो वो कितना बन जाता है मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर लेट से 15 इयर्स या 20 इयर्स, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पीपीएफ कैलकुलेटर बनाया है, सिंपल सा बनाया है, ये मंथली कैलकुलेशंस के लिए बनाया मैंने। अगर आप हर महीने कुछ पैसा डालते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। येलो सेक्शन के अंदर आप अपने सारे इनपुट्स डाल देंगे, सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट डाल देंगे पीपीएफ का, जो भी अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, पीरियड डाल देंगे 15 साल, जैसे मैंने यहाँ पे मिनिमम लिया है, आप 20 साल 25 साल भी ले सकते हैं क्योंकि 5-5 साल के लिए आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। डिपॉजिट आप कितना कराना चाहते हैं हर महीने वो आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 10,000 का पर मंथ अमाउंट लिया है 15 साल के लिए, तो 15 साल के बाद ये हमारा अमाउंट बन जाएगा 34,60,382 रुपये। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ किया है। अब ये मैंने खाली मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेटर बनाया है, इसे आप एनुअल या फिर क्वार्टरली हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके लिए आपको फ्यूचर वैल्यू में यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप वो कैलकुलेशंस करना भी चाहते हैं क्विकली, आप खुद कैलकुलेटर नहीं बनाना चाहते तो आपको ऑनलाइन भी काफ़ी सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। अब क्योंकि पीपीएफ में ज़्यादातर लोग मंथली प्रेफर करते हैं पैसा डालना, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ये कैलकुलेटर बना दिया है। हर महीने अगर आप पैसा डालेंगे तो उस हिसाब से आप अपना मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल डिपॉजिट अमाउंट मिल जाता है, 15 साल में आप 10,000 के हिसाब से टोटल कितना डिपॉजिट करेंगे, 18 लाख करेंगे। आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, आपके मेच्योरिटी अमाउंट में से ये वाला अमाउंट घटा दिया आपने तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आपको इतना मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक अकाउंट जरूर खोलना चाहिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में डेफिनेटली हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं है और टैक्स फ्री आपको रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। आपके जितने भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, कोई सीरियस इलनेस के लिए आप अगर कोई फंड बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जिससे वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।